विधि काटना पकाना सुखाना कैसे होते आप जरूर जरूर सीखना। देखो इसके नहा दिया हम आज मैं उसको धोरी, देखो कैसे धुलाई होती है। खेत में काम धंधा करती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बोरा फैमिली में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जा रही हूँ मैं खेत में हल्दी खोदने। माने को भेज दिया है, अब मैं जा रही हूँ उसके साथ। वहीं साफ आप करेंगे, हल्दी कैसे खोदते हैं उसके बारे में एक छोटा सा ब्लॉग बनाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। चलते हैं हल्दी खोदने। मैं जा रही हूँ चाय लेके, इसमें चाय पानी बैग लेके चलती हूँ मैं खेत में। ये अब मैं खेत में जा रही हूँ। ये है हमारा खेत, लहसुन के खेत से, सब्जी वाला खेत से होते हुए मेड़ मेड़ी ही जाऊँगी उधर खेत में। ये सिंचाई वाली नहर, इधर से हमारे गांव का लोग है वो हमारा घर। गेहूँ के हरे भरे खेत हो रहे हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। ये मैं पहुँच चुकी हूँ अभी नहर नहरी। ए मैंने हार हरशिला हारो मैंने खुद रहे रे कौन हरी कुमजू हार हरसी वही तो मैं कुमसी हरसी ना हल्दू हल्दी खो दिया मैंने तू चौड़ी ला। हाँ सब पत्ते गिर के मानी ने इकट्ठे कर दिए। ये कौन हल्दू से मनिया लाल से कौन से दिए रंग से ये हल्दी खोद दी हमने। ये अभी इसको हम बनाएंगे साफ करेंगे। क्यों भाई अब क्यों चार ला गोरन दिए खोद रहा है निकलेगा रे माने यहाँ पर दिखा दो ऐसे निकलती है अभी तेरा था उधर उठल वाल बोर का निकल जी तेरे दो साल पुराना है ये क्या दी हाल पुराना खाना मिली है मैं दो साल बाद खाते हैं तब भी इतनी कम निकली है। इधर आ रहे बगले कीड़े खाने लगे पड़े मैंने और में अब इतना मैंने साफ कर दिया हल्दी ये हल्दी मैंने बना दी है। अलग से रखूंगी ये वाली लगाए मैंने बाकी जो एक जटा है ना काटने वाली इसको अलग रखूंगी इसके तोड़ तोड़ के इसको तोड़ तोड़ के मैं रखूंगी। खेत में काम धंधा करती हूँ को दी सबसे पहले मैंने गुड़ कितना खा रहा है बिस्कुट खा हाथ में लाया साफ करके भी जड़ वाले काटेंगे हम इसको भी।
इसको अलग कर दिया, जो उसके छूने हैं ना वो अलग से टुकड़े कर दिए। इसका ढेर लगा दिया मिर्ची छान छान के मैंने। अभी इसको साफ करूंगी और मैं घर को धो दिया सर। अब इसको धो लिया अब धनिया और पानी लगा दिया राखी। अब हम घर पर जा रहे हैं, हल्दी हल्दी घूम के जा रहे हैं हम लोग घर पर। सुबह 10 बजे से 5 बजे हल्दी तो हमने कल छूने सब साफ कर दिए थे। अब मैं आज ये भूरे बना रही, देखो कैसे होते हैं छिलके। ये भूरे बोलते हैं जो जड़ होती है ना, छुन्नी जो होते हैं वो निकाल देती जो हल्दी होती है। ये भूरों का काम करे, कैसे सफाई की जाती है देखो। दीदी और मैं कर रही हूँ, सब खाते हैं भाई। हल्दी कर बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये आज भूरों का काम छिल छिल के, पहले ये ऐसे होती है ये। अब इसकी जड़ को हमने ऐसे छिलना पड़ेगा। कह दीदी ये चक्कू भी फूल गई है, सब बंदी भी इसको धो के फिर हम इनको भी उबालेंगे, फिर काट के फिर सुखाएंगे। आज हो रही बोलों का जड़ों का जो मैं उसकी हल्दी खोद के लाई थी कल, आज मैं उसको धो रही। देखो कैसे हल्दी की धुलाई होती है, ये तो सारी मिट्टी मिट्टी होती है। ये तो कैसे हल्दी धो के पकाते, हल्दी की धुलाई चली आज हमारी। ये कितने पानी धोना पड़ता है, नहीं तो सब मट्टी मट्टी लगती है। फिर धोने के बाद इसको कैसे पकाया जाता है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। चलते हैं चूल्हे के पास। देखो आज सारे हमारे बिल्ली ने स्नान कर लिया। देखो गोलू इसको शैम्पू से नहलाता है, डब शैम्पू से। ये क्या चुचुरा है बिल्ला, काला बिल्ला हमारा। वही देखो इसको नहा डा के माँ उन्हें नहा दिया। हम से अपने बिल्ली को नहलाते भी है। देखो ये अपने आप ही आ जाए। इधर 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 बैठ, अरे उधर बैठ। ये हल्दी पकड़ी मेरी ये ऐसे ढक के, जब तक ये ऐसे टूटे ना ना तब तक भाई ये पक चुकी है। देखो हल्दी ऐसे पकाती हूँ, ऐसे उबाल आ रही है चूल्हे में। मोटी मोटी लकड़ियों से मैं इसको पकाती हूँ ये हल्दी को, जो कि इसका कलर बहुत अच्छा आता है इसके बाद पकने के बाद, नहीं तो कलर नहीं देती हल्दी। मैं ऐसे इसको पका रही हूँ। बाद में हल्दी को पका दिया मैंने, ये पका दी है तो क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये वाली हल्दी पका दी है मैंने, धोके पक चुकी है कैसे टूट, क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा आता है। और फिर मैं इसको पकाती हूँ, जो बाकी बनाई करी इसको भी मैं ऐसे ही पकाऊंगी। इसको मैं इसमें पलट दूंगी, ये इसको भी छत में डालूंगी और मैं इसको फिर करके छोटा पकी हुई हल्दी को मैं छत में डालूंगी, फिर इसको मैं कट करूंगी सुखाने के लिए। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कल। अब मैं इसमें और एक भर के डाली धो के लिए आई हूँ इसको। आज हो रहा मेरा हल्दी का ही काम, वो वाला मैं पका के इसको पकाऊंगी चूल्हे में। ज़्यादा नहीं भर के क्योंकि उबाल आ जाएगा। फिर मैं ऐसे लगा दूंगी इसका झप्पर, ऐसे लकड़ी लगा के इसको मैं सारी हल्दी को ऐसे पकाऊंगी, फिर मैं डालूंगी छत में। ये पकी हुई हल्दी इसको मैं छत में डालूंगी। ये मैं इसको करूंगी सवेरे कट, जो कट करा है वो देखो सूखी है साल। इसको मैंने काट दिया सुखाने के लिए। हल्दी को हमने पकाने के बाद ऐसे काटने पड़ते हैं, जो मोटे मोटे भूरे होते हैं ना, जो मोटी वाली गांठ ऐसे काटना पड़ता है।
फिर सुखाने को ऐसे अरे काट के ऐसे सुखा देते हैं हम इसको, तब जाके हल्दी बनती है। अभी छत में भी मैंने सुखाई है बहुत सारी, तो हल्दी का एंड यहीं पे है। कैसे हल्दी बनाई जाती है आप लोगों को मैं छोटा सा एक ब्लॉग बना के दिखा रही हूँ। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हल्दी काटना, पकाना, सुखाना कैसे होते हैं आप जरूर जरूर सीखना। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।